आज पकाएंगे हम आलू मटन। तो आलू मटन के लिए गोटी हमने बड़ी अच्छी निकाला, देख सकते हो अच्छी अच्छी गोटी बड़ी बड़ी मैंने मटन को इतनी बड़ी बड़ी गोटी में कटवा लिया है। सही है, तो आ जाओ तो इसकी तैयारी करते हैं हम। इसके लिए मैंने पतीला रख दिया है, इसमें तेल गर्म कर दूंगा। 4 किलो ऑयल है, फुल गर्म है, अभी मैं वॉश लगा दूंगा। ये तकरीबन इसका पानी खुश्क हो गया है, गोश्त का अभी थोड़ा है, पानी खुश्क हो जाए तो माशाल्लाह कलर देख सकते हो। अभी इसमें हम प्याज और टमाटर डाल देंगे, अभी इसका पानी खुश्क हो गया है। तीन किलो प्याज है कटे हुए, चार मिर्ची है मेरे पास, ये मिक्स गरम मसाला है, दालचीनी है, काली इलायची, लौंग, काली मिर्ची, टमाटर है मेरे पास 3 किलो। अभी इसको पानी मेरे पास गर्म किया हुआ है, अभी इसको लगा के दम दे दूंगा। अब भी हम इसके लिए आलू गोश्त के लिए मसाला निकाल देंगे, ये कटर मिर्ची निकाल दूंगा 3 चम्मच, ये हल्दी 1 चम्मच, मिर्च पाउडर 2 चम्मच, ये खुश्क जीरा है मेरे पास, ये जाएगा 1 चम्मच, ये कुटा हुआ धनिया, चेक करके फिर लगा देंगे। घुमाई करेंगे हम, माशाल्लाह इसकी घुमाई करेंगे। तकरीबन गोश्त हो गया, इसको थोड़ा घुमाई करेंगे। जो रखा था वो डाल दूंगा, ये बर्फ की हुई थी इसमें डाल दूंगा। अभी आलू डाल के इसको मैं 20 मिनट दम दे दूंगा।
मेरे आलू भी पक जाएंगे। आलू आलू जब तरह गल जाए आलू और गोश्त में जलता रहा दूंगा 15-20 मिनट के लिए। गोश्त मेरा गल जाए चेक करते हैं हम आलू को। धनिया पुदीना लगा के तेल लगा हमारा तैयार हो गया। इसको निकाल देंगे।